राजनांदगांव शहर के झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में निवासरत लोगों के लिए इन दिनों नगर निगम ने एक अनोखा फरमान पेश किया है। दरअसल नगर निगम ने झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में एक नोटिस बोर्ड लगाकर यहां के निवासरत लोगों को अपने मकान खाली करने का आदेश जारी किया है और ऐसा नहीं करने पर भविष्य में किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं देने का भी फरमान किया है। राजनांदगांव शहर के झुग्गी झोपड़ियों में निवासरत लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटित किया गया है, लेकिन शहर के कई झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में निवासरत लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में जाना नहीं चाहते। ये लोग वर्षों से जिस जगह पर रह रहे हैं उसी जगह पर रहने देने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित होने के बाद भी उन आवासों में नहीं जा रहे लोगों को उनके झुग्गी झोपड़ियों से निकालने के लिए नगर निगम ने अनोखा फरमान जारी किया है और एक नोटिस बोर्ड लगाते हुए झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के निवासियों को मकान छोड़कर नहीं जाने पर भविष्य में किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने की बात कही गई है, जिससे लोगों में नगर निगम के खिलाफ आक्रोश निर्मित हो रहा है। शहर के ठाकुर दैया डबरी पारा क्षेत्र में नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षद श्री वर्मा ने पहुंचकर इस तरह के बोर्ड लगाए जाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त सत्ता में आने से पहले कांग्रेस के लोग झुग्गी झोपड़ी में जाकर यहां निवासरत लोगों को पट्टा देने की बात करते थे और सत्ता में आने के बाद बोर्ड लगाकर उन्हें डरा धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए हम संघर्ष करेंगे। पार्षद शिव वर्मा ने नगर निगम के इस आदेश पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर निगम की एक ही मंशा है कि जमीन को बेचकर बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। इसमें तो शहर में के जो महापौर जो बैठा है, सचमुच में चुनाव के पहले सत्ता माने पहले उन्होंने हर झुग्गी झोपड़ी में जाकर कहा था कि आप सिर्फ सरकार बनेंगे और 10 दिन के बाद आपको 30 साल के पट्टे दिया जाएगा। सभी झुग्गी झोपड़ी बोले थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर बोलते थे आपको पट्टा देंगे, पर चुनाव जीतने के बाद इन झुग्गी वासी को ठेंगा दिखा दिया। और आज झुग्गी झोपड़ी जब बोर्ड नगर निगम प्रशासन द्वारा लगाया, शहर के सभी झुग्गी झोपड़ी में लगा है, आप एक हफ्ते अंदर खाली कर दें, नहीं तो शासन की जितना सुविधा है वो आपको समाप्त किया जाएगी। इनका कोई अधिकार नहीं सब बैठे अधिकारी लोग का किसी का अधिकार छीनने का। और आज पूरे झुग्गी झोपड़ी में लगातार 2-3 दिन से दौरा कर रहा हूँ, कोई भी झुग्गी झोपड़ी छोड़ के शहर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। सब लोग तैयार है अधिक संघर्ष करने के लिए, अधिकारी से लड़ाई लड़ने के लिए। आज मैं भी हाल ही में बजरंग दल गए तो वहाँ पे लोग बहुत उत्सुकता की हालत में संघर्ष करेंगे, इसका आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, पर कोई भी परिवार के लोग झुग्गी झोपड़ी छोड़ के जाना नहीं चाहता। ये तो नगर निगम के बेवकूफ़ी है कि बोर्ड लगा के इनको डरा धमका रहे हैं। अब ये लोग दहशत में हैं, जिस दिन से बोर्ड लगा इन लोग तकलीफ और दहशत में है कि वाकई में लोग का क्या होगा, सामने बरसात है कहाँ जाए। भाई झुग्गी झोपड़ी के लोग को आके हम समझा रहे, भाई ये पूरा परिवार है, आप कहीं ना जाइए, आपके लिए संघर्ष करेंगे और संघर्ष अब जीत हमारे होगी। लंबे समय से निवासरत है, आखिर प्रशासन इसको खाली करके क्या चाहते हैं, उनके मिशन क्या है? उनका एक ही मिशन कि बड़े लोग को फायदा पहुंचाना, बेच के जमीन को। यही काम में सब लोग नगर निगम के महापौर आयुक्त सब लगे, इसका हम पूरे झुग्गी झोपड़ी इसका भरपूर विरोध करेंगे। ठाकुर दैया डबरी पारा क्षेत्र में लगभग 3 दशक से लोग निवासरत हैं। इन लोगों को शहर के लखोली क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान आवंटित किया गया है, लेकिन यह लोग शहर से दूर नहीं जाने की बात कह रहे हैं। यहां निवासरत लोगों का कहना है कि यह वर्षों से यहां का बीज है, उन्हें यहीं रहने दिया जाए। अगर सरकार उन्हें पट्टा नहीं दे सकती है तो वह बिना पट्टे के भी रहने को तैयार है। 30 वर्षों से रह रहे हैं, अब यहाँ हम लोग को 1 साल का स्थायी पट्टा दिया गया है, परंतु हम लोग को हटाओ यहाँ से तोड़ के उधर दूर अटल आवास में जा भेजेंगे बोल रहे, लेकिन हम लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि पूरा परिवार यहाँ रहते हैं, सबके बाल बच्चे हैं, सबका रोजगार यहीं पर है, शहर से बाहर नहीं जाना चाहते। और अगर जाएंगे तो पहले ये जैन बगीचा, ये लक्ष्मी भवन, हाँ। उद्याचल, हाट बाजार, ये सबको हटाइए क्योंकि ये पूरा तालाब था तब हम लोग बसे थे, सबको हटाए तब हम भी हटेंगे, नहीं तो हम नहीं हटेंगे। हमको यही रहना है, हमको स्थायी पट्टा दिया जाए, नहीं देते पट्टा तो हम ऐसे ही रहने के लिए तैयार हैं, पर हम छोड़ के नहीं जाएंगे। स्वतंत्र भारत में निवासरत लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, वहीं शासन की योजनाओं से मिलने वाले लाभ को भी नहीं रोका जा सकता। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा नोटिस बोर्ड लगाकर कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों में नहीं जाना चाहते उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार से अन्य किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस तरह के नोटिस बोर्ड लगाए जाने से नगर निगम के इस फरमान का विरोध शुरू
हो गया है। आने वाले दिनों में झुग्गी झोपड़ी निवासियों के साथ विपक्ष दल के लोग इनके खिलाफ आंदोलन की राह अपना सकते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट।